रख लेना चाहिए। स्वच्छ मेरा आंगन, स्वच्छ मेरा बचपन, तो क्यों ना स्वच्छ हो जाए हम सबका मन। जी हाँ दोस्तों, इसी स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए अब हम देखेंगे एक छोटा सा एक्ट। Thank you.
अखबार पढ़ते हैं और समझते नहीं। अरे नहीं नहीं, इसका बहुत दुष्परिणाम होगा। तो देखा आप लोगों ने, इन्हें कौन समझाए, प्रदूषण से होने वाली हानिकारक प्रभावों को इन्हें ही झेलना पड़ता है, पर ये समझते नहीं। हमने नाटक के माध्यम से आपको दिखाया कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है, पर आप लोगों का सहयोग जो है वो नहीं मिल पा रहा है। देश के गांव शहर में स्वच्छता का ध्यान दें, अपना योगदान दें और सहयोग दें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं न्यूज रिपोर्टर लाला कल तक से, सॉरी 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 सॉरी, कैमरामैन नहीं है। खबर मिली है तुम सब हमारे राज्य में बहुत गंदगी फैला रहे हो। यूजू ने कचरा से सबसे ज्यादा। अरे नहीं, तुम्हें कठोर से कठोर सजा दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, अब हम सुधर गए हैं, अब हम गलती नहीं करेंगे। तो आइए हम इस छोटे से प्रयास से पूरे देश को स्वच्छ स्वच्छ और सुंदर बनाएं। समझे कि नहीं, का सोचत सरदार खुश होगा, सब आगे देगा। अच्छा तो हम भी चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं।